अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब बस हम लोगों को बॉम्बे जाने में ज़्यादा वक्त नहीं है, दो चार दिन ही बचे हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर के अंदर ही जो खेत है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, और कौन कौन से उसके अंदर जो है वो सब्ज़ी लगी हुई है, वो सब आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम व्लॉग को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो छत पर ही हैं, बस अब जाने वाले हैं नीचे। तो इनके पापा के साथ मैं नीचे जाऊंगी, हम लोग खेत देखेंगे, और वहाँ पे जो है बाहर की तरफ रोड है, तो हमें बुर्का पहन के ही जाना है। घर के अंदर मतलब कि एक बाउंड्री है, लेकिन वहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि सब आदमी वगैरह आते हैं। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, ये देखिए घर के बाहर ही बिल्कुल लगा हुआ है। कितना सारा ये जो फ्लावर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रहता है, और सुबह जब उठते हैं नीचे बहुत सारा गिरा हुआ रहता है। तो ये देखो, ये है हमारा खेत। कहाँ गोभी है? उधर गोभी। अच्छा, ये पालक नजदीक जैसे लेने का, तब एकदम हरा जूम कर लगाने का। हाँ हाँ हाँ, देखो ना सिमरा को इसी का तो चाहिए था बुके। रुक ना, मैं उसको भी देख लेने लौकी लगाने गया, तो मेरी लौकी भाई है। कहाँ पे देखो, लौकी आते हैं, इसी की लौकी होती थी ना पहले जब। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये चच्ची है दीदी। और यहाँ पे ये सारा जो फ्लावर है ना, बिल्कुल वेलवेट की तरह है, ये रियल में ऐसा लगता है जैसे वेलवेट है। सब कलर भी बहुत प्यारा है और ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खेत देखना। बहुत बड़ा नहीं है, स्क्वायर में ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लगी हैं। पानी देखो, सब बच्चे सीधा अनार का बच्चा, देखो छोटा सा अनार निकल रहा है इसके अंदर से, कितना क्यूट है। बड़ा सा होता है देखिए, ये देखिए फ्लावर इसका अनार एकदम रेड रेड। ये देखिए इसमें ना, देख अपने आप पता नहीं, देख अनार आके सूख भी गया, तो ये बड़ा सा होता अभी। यहाँ भी एक छोटा सा सूखा है। ये जो अनार हम लोग देखे थे ना झाड़ पे, और ये देखो निकालने के बाद में ये अंदर से पूरा अनार रेडी है, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा है एकदम सूख के ख़राब हो गया है। ये मुझे लग रहा है ना कि छोटा वाला ही अनार है, बहुत ज़्यादा छोटा है, दाने पूरे इसके अंदर है। ये अलग से मिट्टी डाले हैं खेत के लिए। ये लहसुन है, सब लहसुन, सब लहसुन, मूली मेड़ पे जो है वो मूली है। साइड से आते हैं ना, एकदम सच्ची का निकल रही है, पूरा सही झाड़ है, पूरा से तीन चार दिन में हो जाएगी लग रहा है। इसको इसको साग बना सकते हैं, साग वो तो इसी में जाता है ना। और रोज़ है ना सुबह में यहाँ से ही तोड़ के देते हैं, और घर में साग पकता है, और मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि शायद जैसे बाहर से आता है। अच्छा है, लेकिन कितना हेल्दी है देखो सामने। देख सोया का झाड़, ये देखो ये छोटा सा झाड़ है, किस चीज़ का? वही क्या करूँ, उखाड़ लूँ?
अरे उसमें लगाने का हो जाए तो लगाएंगे ना। किसमें लगाऊं? कोई मुझे असल में ना वो झाड़ लेके जाना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे उसको निकालूं। ये गोभी है, ये पत्ती तो सेम है। नहीं मम्मी कलर अलग है, देखो ना थोड़ा सा मिलती जुलती थी ना, मुझे पता नहीं सेम लग रही। ये मेहंदी का पेड़ है, सबसे धमाल ना चीज़ है वो फ्लावर देखो ये पिंक कलर का पता। ये सर और ये देखो जब उनके दद्दा से पिए ये मेथी नहीं मम्मी ये बाजू वाला फ्लावर देखो, ये वाला इधर से देखो ना, यहाँ बहुत खिला है देखो। नहीं हिबिस्कस नहीं है ये, उसके जैसा है। अच्छा ये वो नहीं है? नहीं ये जो पढ़ते हैं इंग्लिश हम लोग 12th में हिबिस्कस ना, वही तो बोल रही हूँ। नहीं ये हिबिस्कस नहीं है, उसी के जैसा है वो, थोड़ा सा लाल रहता है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, तोड़ लेना लेकिन लगेगा ना इसका बीज, इसका ना जब ये सूख जाता है ना, इसका बीज गिरता जाएगा। जो लगेगा लग जाएगा है ना, छोटे छोटे भी तो है पेड़ देखो ना। तो ये हम लोग बॉम्बे ले जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। इसमें हर तरह का फ्लावर है, यानी हर कलर का फ्लावर इसके अंदर है, तो हम लोगों ने सब तोड़ तोड़ के रख लिए है। देखो बटरफ्लाई आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बड़ी सी है, इतनी मेरे पास ही आ रही है। अरे कैमरे के सामने ये देखो हटती नहीं है। सही बात है, अल्लाह क्या समझ के आ रही है। वो झाड़ा अपनी उसलिए क्या, वो रस के लिए लगता फ्लावर दिख रहा है उसको, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद नीचे देख के चलाओ, नीचे देख के चलो। हाँ ब्रेक लगा रही, देख रही हूँ। नीचे देख के चलो, ऊपर नीचे ना यहाँ पे, ये साइकिल बड़ी है ना सर? नहीं लग रही बड़ी? तो आज जो है बच्चों के दादा इनको राउंड दे रहे हैं साइकिल पे। तो अभी नायरा बैठी है और अभी लग रहा सबको पता नहीं है, अब जैसे मालूम पड़ेगा ना सब शुरू हो जाएंगे साथ में। अब तुम्हारी मैं को भी। जो देखा आ गए ना सबके सब, अब धीरे धीरे सबको पता चल रहा है और सबको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। ये देखो क्या लू सेल्फी है, सेल्फी तो ऐसे लेते हैं तो उसके लिए ऊपर आना पड़ेगा सेल्फी लेने के लिए, तब भी आ जा। हाँ मैं नीचे आऊँ फोटो खींचने के लिए, खाली आती हूँ रुको तब। तो यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं और हम लोग थोड़ी देर के लिए बड़ी अम्मी के यहाँ चले गए थे, तो वहाँ थोड़ी सी बाग वगैरह हम लोगों ने देखा और ये सब देख के फिर हम लोग वापस आ गए। यहाँ भी बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मुझे नहीं पता अमरूद है ना इसमें, लेके गया था, खाया लगता है बड़ा मीठा था अमरूद, मुझे लगता है यही पेड़ का था, यही था। और अपने का तो नहीं,
यहाँ पे भी देखिए पेरू का झाड़ है और यहाँ का पेरू काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा है। बस अब यहाँ पे जो है वो मगरिब का टाइम हो गया है, अजान भी हो रही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो रात हो चुकी है, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और बच्चे लोग बस वैसे ही जो उनका टाइम है खेलने का तो वो लोग चले गए नीचे। हम लोग जो है कमरे में आ गए हैं और ये सादा और इसके पापा बैडमिंटन खेलने में लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे तो थोड़ी देर खेलेंगे ये लोग, उसके बाद ये लोग आज जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए। ये लोग मेरे ख्याल से ढाबा जाने वाले हैं तो थोड़ी देर में ये लोग निकलेंगे। ये देखिए ये लोग निकल चुके हैं ढाबा के लिए। तो गांव में भी बहुत अच्छा सब ढाबा खुला है, तो जितने यहाँ पे जेंट्स लोग थे बच्चे थे वो लोग सब निकल गए। तो ये वीडियो जो है इनके पापा ने मुझे भेजी थी। ये देखिए यहाँ पे सब वाटरफॉल है और इसका जो कलर है ना बिल्कुल इन लोगों ने एकदम ग्रीन रखा है, जैसे जंगल एकदम रहता है ना, बहुत प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ रहती है, यानी गांव में भी सब जो है वो घूमने के लिए जाते हैं रात के टाइम पे खाना खाने के बाद में। और साथ को तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आया है, साथ को यहाँ पे झूला मिल गया है झूलने। तो यहाँ पे सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया और रात में इन लोगों को आने में थोड़ा देर हो गई थी और उस रात इत्तेफाक से कोहरा भी बहुत था तो इन लोगों को काफ़ी टाइम लग गया आने में। तो ये देखिए बस यहाँ पे इन लोगों ने इतना इंजॉय किया और इसमें समी भी है क्योंकि समी को ना बस अब निकलना है 2 घंटे वहाँ से और सुबह का वक्त है और सुबह में इसके पापा इसको खेत में लेके चले गए। साथ को ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। सुबह का जो सीन होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, सुबह में बिल्कुल फ्रेश। और यहाँ पे आप गांव देख सकते हैं तो ये गांव का ये सब जो सीन है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब जानवर वगैरह यहाँ पे निकलते हैं तो साथ को तो बहुत मज़ा आता है ये सब देखने के लिए। और ख़ासकर ना साथ को मोर देखना था तो इसके पापा इसको जल्दी लेके गए क्योंकि सुबह के टाइम अगर जाएंगे ना सवेरे तो फिर मोर दिखाई देता है। हकीकत में देखने की बात ही अलग है, ये देखो सामने सामने है, थोड़ा दूर से ही देख रहे हैं, अगर थोड़ा करीब जाएंगे ना ये लोग भागने लग जाते हैं। मोर या तो बिल्कुल सवेरे दिखाई देते हैं या फिर जब मगरिब का टाइम होता है ना उस वक्त ये लोग बाहर निकलते हैं खेत में इस तरह से दाना चुनने के लिए। तो एक तरफ यहाँ पे ये सब जानवर भी थे, पिग वगैरह थे, तो फिर जो है इनके पापा ने जो है साथ को ये सब भी दिखाया। आते वक्त देखिए दोबारा से मोर दिखा, उधर जा रहा है रोड पे। हाँ। कितना प्यारा है, कितना अच्छा लगता है ना। अभी सब ना वो दाना खाते रहते हैं। अब ये देखिए पूरा खेत कितना अच्छा लग रहा है, सारी रिकॉर्डिंग देखिए एक साथ में इस तरह से आपको पूरा गोल घुमा के दिखा रहे हैं। तो ये गांव जी की बहुत ही प्यारा लगा, घर के बाहर ही बस बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के बिल्कुल बाहर निकलेंगे ना बिल्कुल सामने से पूरा सीन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा गाँव है ना कि सारा खेत वगैरह सब दिख रहा है यहाँ पर। तो साथ का ग्रुप बन गया, बस अब खेल लोगों का शुरू। और ये सारे फ्लावर देखिए गेट पर ही है और ये बिल्कुल जो है एकदम भीग जाता है नीचे की तरफ, जब गिरता है ना बहुत पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है और हमेशा यहाँ पे फूल रहता है इसके ऊपर और खुशबू भी काफ़ी रहती है इसके अंदर। समी अब निकलने वाला है बॉम्बे जाने के लिए क्योंकि समी का पेपर बाकी था। समी वो बैग उमर को दे देना, फिर तुम वो वाला पकड़ लो, दोनों एक कर खाली नीचे उतर लो, है ना। धुआ पढ़ लेना समी, आतेल कुर्सी पढ़ लेना, धीरे धीरे उतार उतर कर समी, सब उठाए मत रहे। तो रिक्शा आ चुका है नीचे
और समी जो है थोड़ा पहले जा रहा है, हम लोग दो दिन के बाद निकलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि समी का पेपर था और बीच में से ही उसका पेपर जो है वो रह गया था और हम लोग गाँव आ गए थे। हम लोग कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? रिक्शा देखिए एक नंबर, एकदम उछाल के कूदते, मतलब इस तरीके से जाता है ना कि पूरी बॉडी एकदम वाइब्रेट हो जाती है। रास्ता देखिए थोड़ा सा असल में खड्डा खड्डा सब रहता है, तो रिक्शा ऐसे उछलते रहता है जब तक मेन रोड नहीं आता है, ये ऐसे ही चलता है। तो अब ये लोग जो है वो सरायमीर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन देखिए बस आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर समी जो है वो बैठ चुका है और ट्रेन अब चल चुकी है। अब जो है वो साद और इब्राहिम ये लोग जो है समी को छोड़ के अब घर वापस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे स्टेशन पे ना पहले इतना बना हुआ नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। बीच में ऐसी रहती है, साइड में सब वो सब रहती है। तो ट्रेन देखिए जा चुकी है, अब ये लोग घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसके आगे का जो व्लॉग रहेगा वो समी बनाएगा, यानी ये रास्ते का पूरा व्लॉग है। अब समी जो है वहाँ से निकल गया है, तो हमारा गांव जो कि आज़मगढ़ के अंदर ही है, तो यूपी से निकलते वक्त उसके बाद में जो है वो एमपी पड़ता है, एमपी के बाद महाराष्ट्र के अंदर जब हम लोग आ जाते हैं तो साइड में सब पहाड़ वगैरह दिखाई देने लगते हैं। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए अब समी यहाँ पे माशाल्लाह पहुँच चुका है। आगे का व्लॉग मैं आगे वीडियो में दूँगी, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।